हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के उन न्यू लिस्टेड कॉइन्स के बारे में दोस्तों हाल फिलहाल अभी लिस्टेड हुई थी। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो PERP जो कि दोस्तों अभी इस टाइम अभी लॉन्च हुई थी, तो पर्प, इसके बाद लीना, बीफी, डिगो, एलिस, इस तरह के कॉइन दोस्तों अभी हाल फिलहाल लिस्टेड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे एक हाई प्राइस में लेके यहाँ पे फंस चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पे मैसेज कर रहे थे कि इन कॉइनों को होल्ड करके फायदा है या नहीं, क्या इन सब कॉइनों को होल्ड किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इसे हाई प्राइस में लेकर फंस चुके हो तो बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों एक आइडिया आपको आ जाएगा कि यहाँ पे दोस्तों अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है, क्या इसे आपको होल्ड करना है, किसे आपको सेल करना है। ये दोस्तों टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। तो वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे आपको लास्ट तक देखना। और साथ ही दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जिससे कि दोस्तों आपको एक बेसिक आइडिया आपको लग जाती है और दोस्तों उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों मैं बहुत सारे आइडियाज आपके शेयर करता हूं, साथ ही दोस्तों बहुत सारे सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, और इसके लिए दोस्तों किसी तरह के आपको पैसे यहां पे नहीं देने पड़ते। तो आप दोस्तों बेसिकली उन आइडियो को यहां पर देख सकते हो, यहां पे एक नॉलेज ले सकते हो, साथ ही दोस्तों ट्रेड भी कर सकते हो। बहुत सारे सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इन सिग्नल के दोस्तों अगर आप ट्रेड करते हो तो मैक्सिमम चांस बनता है कि आप यहां पर प्रॉफिट आप यहां पर कर पाओ। किसी तरह दोस्तों अगर आपके पास क्वेरी होती है तो आप हमारे चैट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ आप अपने क्वेरी को यहाँ पर बता सकते हो, तो वहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपकी यहाँ पर भी हेल्प आपकी हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पर्प यूएसडीटी के बारे में। बहुत सारे लोग इसे $14, कोई $16 में लेके फंस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्वेरी आती है कि क्या इन कॉइन को फिर से यहाँ पर रिकवर किया जा सकता है। तो मैं यहाँ आपको एक टेक्निकल एनालाइज के थ्रू यहाँ पे और थोड़ी सी दोस्तों फंडामेंटल एनालाइज के थ्रू यहाँ पे कुछ आइडिया आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप टेक्निकल एनालाइज में आप यहाँ पे देखो तो चार्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को मिली। और इसके दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करें तो मैंने आपको लाइव वीडियो में दिखाया था कि ये वाकई में एक अप प्राइस से ही स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बन गई, और उसी समय मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्प यूनिवर्सिटी है इस पर मैं कन्फ्यूज हूँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि उस तरह से यहाँ पर पंप करेगी। अभी की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग $8 समथिंग यहाँ पर चल रही है, और सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पर $12-13 आने की तो चांसेस बहुत कम यहाँ पे हमें लगते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पर्प यूटिलिटी की आप फंडामेंटल एनालाइज पे जाओगे तो सबसे पहले आप इसके मार्केट कैप या फिर दोस्तों इसकी टोटल सप्लाई को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल सप्लाई अगर हम यहाँ पे देखें तो 15 करोड़ की लगभग दोस्तों टोटल सप्लाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बात करें तो सिर्फ 2 करोड़ लगभग दोस्तों यहाँ पर सप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर फंडामेंटली आप यहाँ पे चले तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो इसकी जो सप्लाई वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ट्विटर कम्युनिटी भी अगर आप यहाँ पे देखें तो महज 14,000 फॉलोअर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर और भी दोस्तों आगे इसकी अगर फंडामेंटल एनालाइज की आप यहाँ पर बात करो तो इसके कुछ न्यूज़ के बारे में अगर आप देखेंगे तो कोई भी दोस्तों हमें ऐसे न्यूज़ इसकी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस हिसाब से बोला जा सकता है कि अभी पर्प की एक भी ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये और भी दोस्तों आपको डाउन देखने को मिले। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप कम लॉसेस पे चल रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको सेल करना बेटर होगा, क्योंकि आगे भी दोस्तों इसकी प्राइस आपको डाउन देखने को मिल सकती है। अगर आप इसके टेक्निकली में जाएं तो हो सकता है कि ये दोस्तों अभी $8 से आपको $9 तक में देखने को मिले, लेकिन दोस्तों कुछ अगर लॉन्ग टर्म के हमारे बात की जाए तो हो सकता है कि और भी आपको डाउन देखने को मिले, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई बोले या फिर दोस्तों इसकी जो टोटल सप्लाई वो टोटल सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में दोस्तों इसके फंडामेंटली और टेक्निकली भी दोस्तों ये कॉइन हमें परफेक्ट देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करें दोस्तों हम लीना यूनिवर्सिटी के बारे में। लीना यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम देखें तो लगभग दोस्तों चार्ट काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं, सेलिंग प्रेशर हमें काफ़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर सबसे बड़ी बात होती है कि दोस्तों फंडामेंटली ये कैसा है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे टेक्निकली वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ पर दोस्तों बात होती है फंडामेंटल की, कि फंडामेंटली दोस्तों ये कितना स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। तो फंडामेंटली में बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले आप इसकी सप्लाई को देखेंगे, सप्लाई अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई की अगर आप यहाँ पर बात करें तो लगभग 31% इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, जो कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देती है। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि ये किस सिस्टम पे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करने वाली पोलकाडोट इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करती है। और आपको पता है कि BSC जो मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन वाली मैक्सिमम कॉइन जो होती है वो दोस्तों अच्छी रेंज पर चली जाती है। और इसके दोस्तों न्यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं
तो लगभग 30 जून को दोस्तों यहाँ पे लीना के बारे में कुछ न्यूज भी है, जो कि हो सकता है कि ये न्यूज इफेक्ट करे और आने वाले टाइम पे लीना को अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सके। लीना के अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाएं तो वो भी दोस्तों लगभग अच्छी है, 26,000 के लगभग फॉलोअर्स में है इसमें, तो वो भी दोस्तों अच्छी है। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि अगर आप टेक्निकली पर चले तो अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर लीना पे आप 50 सेंट तक में भी फंस चुके हो तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि हो सकता है कि 6-7 महीने आपको लगे, लेकिन ये दोस्तों कवर करके रख लेगा। यहाँ पर दोस्तों आप इस अमाउंट को कवर कर पाओगे, मैक्सिमम चांस बनता है कि दोस्तों लीना अपने इस हाई को फिर से $1 दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई बना चुकी थी, लेकिन अगर चांसेस के बारे में बात करें तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये 50 सेंट को यहाँ पर फिर से टच करे। हो सकता है कि 50 सेंट को टच करने पर हो सकता है ये 4-5-6 महीने यहाँ पर लग जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस बनेगा कि 50 सेंट को यहाँ पर ये टच करके रख टच यहाँ पर कर सके। तो सिनेरियो दोस्तों यहां पर यही बनता है कि अगर आप 30 सेंट 40 सेंट में फंस चुके हो तो आपको यहां पर होल्ड करनी चाहिए। मैक्सिमम चांस बनता है कि इस होल्डिंग के दौरान आपको यहां पे इस होल्डिंग को आपको एक मौका मिल जाए कि आप इस होल्ड को यहां पे निकाल पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे बीफी के बारे में। बीफी दोस्तों आपने देखा होगा कि $1200 का मैंने आपको बताया था कि उस समय उसकी रेंज चल रही थी, अचानक से ये $2400 हो गई। और दोस्तों इसके टच के बारे में बात करें, ATH की बात करें अगर बाइनेंस में, तो $6,450 का दोस्तों ये ATH अपना बना चुकी है। अब यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे लोग $3,000 पे या $4,000 पे फंस चुके हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम जाएंगे इसके फंडामेंटल एनालाइज पे। तो फंडामेंटली आप देखेंगे तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे वर्क करने वाली है, बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करती है वाइल्ड एग्रेटर, तो ये भी दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। दूसरी दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में, टोटल सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर निकलती है वो है दोस्तों इसकी सप्लाई के बारे में। टोटल सप्लाई दोस्तों 80,000 जो अब तक की काफ़ी कम यहाँ पर देखने को हमें मिलती है, उसमें भी दोस्तों 90% दोस्तों यहाँ पर ये सप्लाई जो में है। तो जाहिर सी बात है कि एक न्यूज भी अगर कभी यहाँ पर आती है तो अच्छी उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर एक्सचेंज के बारे में बात करें तो अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे और पैनकेक स्वैप में भी है आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों ये अब बाइनेंस पे लॉन्च हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक वॉल्यूम यहाँ पर देखने को हमें मिलती है बाइनेंस टॉप 1 एक्सचेंज में। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है कि ये अपने ATH को बहुत जल्दी ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम है, और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों 90% सप्लाई यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर है, तो ऐसे में चांस बनता है दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छा आपको हिट करने का मौका मिलेगा, काफ़ी दोस्तों ये आगे जा सकती है। अगर इसके ट्विटर फॉलोवर भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चांसेस क्या है, चांसेस दोस्तों पूरी है कि बीफी आपको आने वाले टाइम पे अच्छा प्रॉफिट आपको देगी। अगर आप 3,000-4,000 USD पे आप फंस चुके हो तो अगर आपके आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, मैक्सिमम चांस बनेगा कि आपकी होल्डिंग यहाँ पर निकल जाए। हो सकता है 6-8 महीने लगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये जो पंप हुई है ये अचानक से होती है, और दोस्तों इसी कारण से दोस्तों इस पंप को टच करना इतना आसान हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि अगर आप 3,000-4,000 USD पे फंस चुके हैं तो थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए, एकदम बिल्कुल यहाँ पर चांस है, बिल्कुल चांस है कि ये अपने ATH को जो कि 6,450 है उसे बहुत कुछ बहुत समय पे हो सकता है कि 6-8 महीने लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के विजन से अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बनेगी, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो सकती है। तो मेरी आइडिया हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपको होल्डिंग करना ही बेटर होगा, अभी दोस्तों इंस्टेंट सेल करके आपको बेनिफिट नहीं है। अगर दोस्तों इसमें बाइंग रेंज के बारे में हम बात करें तो लगभग दोस्तों 1200-1500 डॉलर का काफ़ी दोस्तों अच्छा बाइंग जोन हमें यहाँ पे बनता है, और जिस हिसाब से दोस्तों अभी के चार्ट को आप देखें तो हो सकता है कि थोड़ा सा दोस्तों और ये थोड़ा सा सेल पे आ सके। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो $1800 का भी दोस्तों काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात है कि 1200-1500 का जो ये रेंज है ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट और ये करे और ये $1800-1600 तक जा सके, तो चांसेस यहाँ पर यही है कि जो इसकी ATH है वो उसे ब्रेक जरूर करेगी, क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी कम है और इसके फॉलोवर्स और इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये अपने ATH को यहाँ पर ब्रेक कर दे। अब दोस्तों हम बात करेंगे एलिस के बारे में। एलिस में भी दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर $35-37 में फंस चुके हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या रास्ता है, क्या आने वाले टाइम लॉन्ग टर्म पे अगर आप इसे रखते हो तो ये दोस्तों आगे जा सकती है। तो मेरी एनालाइज फंडामेंटल एनालाइज दोस्तों यहाँ पर यही बताती है कि इसकी भी मैक्सिमम चांस बनेगी कि ये आपको अच्छा प्रॉफिट आपको दे सके। अगर आप $30-35 में यहाँ पे फंस चुके हैं तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये दोस्तों आप होल्डिंग अगर आप 6-7 महीने के लिए करते हो तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि वहाँ पर आप रिकवर कर पाओ। कैसे दोस्तों, सिंपल दोस्तों इसके आप अगर
फंडामेंटली एनालाइज को आप यहाँ पर देखें तो एलिस दोस्तों एनएफटी के अंदर में आ जाती है। एनएफटी पे दोस्तों ये वर्क करती है, गेमिंग पे वर्क करती है, तो जाहिर सी बात है कि एनएफटी का भी क्रेज बढ़ने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों चांसेस है कि एलिस इसी क्रेज पे यहाँ पे निकले। सबसे बड़ी बात होती है सप्लाई की, तो सप्लाई भी दोस्तों ज़्यादा हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। टोटल 10 सीआर की दोस्तों यहाँ पे सप्लाई देखने को मिल रही है और सबसे अच्छी बात 17% दोस्तों ये सप्लाइंग जोन पे हैं। अब दोस्तों इसके अगर एक्सचेंज के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, CoinDCX, Binance, PancakeSwap, Gate.io। तो यहाँ से भी चांसेस है कि इन एक्सचेंज पे दोस्तों वॉल्यूम भी अच्छी होती है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि जैसे ही कुछ क्रेज आती है एनएफटी की, जैसा कि क्रेज चल भी रही है, तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये भी दोस्तों आने वाले टाइम पे आपको प्रॉफिट दे सके। और अगर $30-40 पे आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि वो अमाउंट आपका रिकवर हो सके। इसकी अगर ट्विटर कम्युनिटी पे आप जाते हैं तो वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्विटर कम्युनिटी इसकी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने से लगता है कि एलिस भी आने वाले टाइम पे आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो न्यूज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 24 मार्च को कुछ यहाँ पर हमें न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस न्यूज़ के दौरान भी कुछ हाइप आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस न्यूज़ में ही आपको $35-40 आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट अच्छी लग रही है और मैक्सिमम चांस बनेगा कि 7-8 महीने के अंदर में $40-50 में आपने लिया है तो उसे ये रिकवर कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों डिगो फाइनेंस के बारे में, डिगो के बारे में जो कि दोस्तों ये भी हाल फिलहाल लिस्टेड हुई थी। सबसे पहले आप इसके टेक्निकल पर जाएँ तो ये दोस्तों महज $34 का हाई यहाँ पर बनाई थी और अभी दोस्तों $19 पर यहाँ पर है। चांसेस क्या बनते हैं कि दोस्तों अगर यहाँ पे मेरी पॉजिटिविटी की बात करूँ तो मैं फुली पॉजिटिव हूँ। आप जितने में भी यहाँ पे बाय करके रखे हो बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए। दो चार मेरे हिसाब से दोस्तों 4-5 महीने के अंदर में ही आपकी होल्डिंग रिकवर हो जाएगी। और अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड करके रख सकते हो, मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये आपको प्रॉफिट आपको दे सके। एक्चुअली दोस्तों सभी चीज़ होती है BTC के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, तो BTC के मार्केट जब तक स्ट्रांग रहेगी मैक्सिमम चांस बनेगा कि ये आप देखने को मिले। अगर BTC में स्ट्रॉ यहाँ पे दोस्तों कुछ हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलते हैं तो भी चांस बनेगा कि दोस्तों डिगो फाइनेंस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद फिर से दोस्तों ये अप आपको देखने को मिल जाए। अगर इसके टेक्निकली पे दोस्तों आप यहाँ पे जाएंगे तो ट्विटर फॉलोवर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्विटर फॉलोवर यहाँ पर है, कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। अब दोस्तों इसके हम वर्क में बात करें तो ये दोस्तों NFT पे वर्क करने वाली है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि NFT मतलब कितनी अच्छी दोस्तों ये आपको देखने को मिल सकता है। Binance स्मार्ट चेन पे भी दोस्तों वर्क करने वाली है, Polkadot सिस्टम पे वर्क करने वाली है। सप्लाई के बारे में बात करें तो सप्लाई भी दोस्तों काफ़ी कम है, तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम चांस बनेगा कि इसकी आपको अच्छी रेंज आपको देखने को मिल जाए। टोटल सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 86 लाख का सप्लाई यहाँ पर बनता है। तो लॉन्ग टर्म के विजन से भी अगर आप देखें तो डिगो फाइनेंस आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि डिगो फाइनेंस और BFI के बारे में मैंने आपको बताया था तो दोनों पे दोस्तों मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। जहाँ से भी दोस्तों आप बाय करके रख चुके हो मैक्सिमम चांस बनेगा कि वो अपने इस ATH को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी। 7-8 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगे लेकिन दोस्तों इसी साल के अंदर में वो सभी अपने ATH को ब्रेक कर देगी। अगर न्यूज़ के बारे में बात करें तो अभी दोस्तों ऐसी कुछ न्यूज़ इसके देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया BFI और डिगो पे एक भी दोस्तों ऐसी न्यूज़ अगर आती है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आपको देखने को मिल सके। तो ये रही दोस्तों आज की एनालाइज। अगर दोस्तों आप इन 5 कॉइन में फंस चुके हो और कितने प्राइस, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कितने प्राइस में आप इसे ले चुके हो ताकि लोगों को भी पता चल सके। और दोस्तों इसके होल्डिंग के और सेल के बारे में बात करें तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर आइडिया लग चुका हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।